अलवरगेट थाना पुलिस ने युवती से शादी का झांसा देकर दुराचार करने के आरोप में रेलवे कर्मचारी हिमांशु माथुर को गिरफ्तार किया है। सीओ साउथ हर्षवर्धन अग्रवाल ने बताया कि 15 जुलाई 2019 को कैटरिंग का काम करने वाली युवती ने रायसाइकिल रेलवे क्वार्टर में रहने वाले रेलवे कर्मचारी हिमांशु माथुर के खिलाफ शादी का झांसा देकर दुराचार करने की लिखित शिकायत दी थी। पीड़िता ने बताया कि जब भी हिमांशु से शादी की बात करती तो हिमांशु टालमटोल कर देता था। पीड़िता की शिकायत पर अलवरगेट थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इस बीच बुधवार को आरोपी हिमांशु माथुर ने न्यायालय में सरेंडर कर दिया। अलवरगेट थाना इलाके में 15 जुलाई इस साल एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जहां पीड़िता जो एक डायवोर्सी है उसने दर्ज कराया कि हिमांशु माथुर नाम के एक आदमी ने, जो रेलवे का कर्मचारी है लोगों में, उसने संपर्क करके और शादी का झांसा दे करके 4 साल तक उसके साथ गलत काम करता रहा। इस आधार पे और 164 के बयान के आधार पे ये मामला स्पष्ट सामने आया, जिसके हमने मुलजिम को कई बार खोजने की कोशिश की, उसके घर पे दबिश दी, लेकिन वो 4 महीने से फरार चल रहा था। फिर कल उसने अपने आप कोर्ट में सरेंडर किया, जिसके आधार पे हमने प्रोडक्शन वारंट जारी करा करके उसे आज अपने हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ की है, जिसमें उसने इस बात को कबूला है और उसे गिरफ्तार किया। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए YouTube पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।